तो गाइस कैसे हो आप लोग। मैं मनीष सिंह, आप लोग देख रहे हो सिंह फिटनेस रहा। तो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं फिटनेस इंडस्ट्री से कुछ अपडेट लेकर आया, तो फटाफट आप इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो अपडेट है ना गाइस, वो है कि जो हमारे हेड जज यहाँ पे बैठे थे शेरू क्लासिक में, उन्होंने बताया कि राहुल फर्स्ट क्यों नहीं आए, बिलाल अली फर्स्ट क्यों नहीं आए, भुवन चौहान फर्स्ट क्यों आए। तो उसके बारे में उन्होंने एक्सप्लेनेशन करा। तो उससे पहले वीडियो आप देखो कि तरुण गिल ने उनके बारे में क्या बोला, आप इस पूरे वीडियो को देखना। भाई साहब इतनी एक्सप्लेनेशन की जरूरत। तो ये जो जनाब अभी जजिंग करके गए हैं इंडिया में, जो कांड करके फिक्सिंग करके गए हैं, एक्सपो वालों ने उनको दोबारा रीच आउट किया, बोला कि भाई साहब यहाँ तो कांड करके हो आप, बवाल मच गया यहाँ पे जजिंग पे बिला भुवन के जीतने से, आप एक और वीडियो बना के भेजो भाई और उसमें एक्सप्लेन करो कि क्यों भुवन जीता और बिलाल नहीं जीता, क्यों नहीं जीते वो। और यही जज साहब कह रहे हैं कि भाई साहब भुवन इसलिए जीते हैं बिकॉज वो फ्रंट और बैक दोनों से अच्छे दिख रहे थे, बिलाल इसलिए नहीं जीते क्योंकि वो बैक से, उनकी बैक में ना बहुत वाटर था, श्रेडेड बैक नहीं थी उनकी। लेकिन वो एक चीज भूल गए हमारे जज साहब कि भाई साहब जब आप कंपेयर करते हो ना, तो कंपैरिजन में आप भुवन और बिलाल को साथ में रखो ना, आपने तो भुवन को हटा ही दिया, उसका कंपैरिजन ही नहीं किया। बिकॉज अगर आप कंपैरिजन कर दोगे अपने वीडियो में भुवन की बैक और बिलाल की बैक, फिर तो एक्सपोज हो जाएगा ना मामला कि भाई ये तो प्योर फिक्सिंग है। आप कुछ तो सोचो यार, आप कंपैरिजन कर रहे हो और बता रहे हो कि बिलाल की बैक में वाटर है, साथ में भुवन की बैक भी तो दिखाओ, वो तो दिखा नहीं रहे आप सिर्फ और सिर्फ बिलाल की बैक दिखा रहे हो यार। सो एक काम करो, एक्सपो वालों बोलो जज साहब को कि एक वीडियो और बनाए जिसमें भुवन को तो दिखाएं, तो फिर तो सारा ही, जिसे कहते हैं ना, सबको पता लग ही जाएगा कि क्या सच है और क्या फिक्सिंग। बाय द वे आपको इतना एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत पड़ रही है, क्यों पड़ रही है भाई? और दूसरा, आप कह रहे हो बिलाल ने कंपटीशन के बाद इतने इमोशनल हो गए, उन्होंने भुवन को कहा यू आर अ ट्रू चैंपियन, लेकिन जहां तक बिलाल ने स्टोरी डाली थी उसने कहा था इट वॉज अ फकिंग जोक। उन्होंने मेरे साथ कॉन्वर्सेशन में भी कहा था द शो वॉज फिक्स्ड। उन्होंने सिद्धांत जायसवाल को पहले कह दिया था कि वह भुवन जीतेगा। यार ये कौन सी कॉन्वर्सेशन हो रही है आपकी बिलाल के साथ यार? अब हाँ मैं समझ सकता हूँ आप जज हैं, आप बोल दोगे उन्हें, डरा दोगे, धमका दोगे कि तुझे दूसरा शो भी तो खेलना है मेरे भाई, अपनी हद में रह, एक्सेप्ट कर ले, चाहे शो फिक्स हो ना हो, यू हैव टू एक्सेप्ट इट। मैं खर्च कुछ भी करता रहूंगा फिक्सिंग, बट यू हैव टू एक्सेप्ट इट एज एन एथलीट। क्यों, वाई डू वी नीड टू एक्सेप्ट इट? अग्री टू दिस, एक वीडियो और बनाओ ना, एक वीडियो और बनाओ और बिलाल और भुवन को साथ कंपेयर करो, जो आप कन्वीनियंटली भूल गए भुवन को कंपेयर करना। सो वी आर वेटिंग फॉर अनदर वीडियो जिसमें भुवन भी होंगे बिलाल के साथ बैक का कंपैरिजन करते हुए। वेट। तो गाइस आपने देखा होगा तरुण गिल का पॉइंट ऑफ व्यू ये था, अब आप जज का वीडियो देखो कि उसका क्या कहना था। Start with Ali Bilal. He has one of the best front poses in the business. I called a while back when he was winning a lot of shows, this guy could very well be the next Jeremy Buendia. And from the front, he looked to be the winner. But when he turned from the back, he had a little bit of water retention, and that prevented us from seeing separation. Ali Bilal is one of the best competitors in the world. And unfortunately, at this show, we didn't have the back separation. Now, does that mean that he's not going to be on top at the Olympia? No, he's going to nail it. Just like Buwan missed his peak at the Olympia, Ali didn't have the separation from the back. He's a great champion. I talked to him and he said, Tarek, I was emotional after the show and I called Buwan and I said he deserved the win. And I'm going to be better at the Mr. Olympia. He's a great champion, and I'm expecting him to storm back. In second place, Raj Kumar. I had never judged this competitor, and he looked incredible. He has a quality that's very unique to him. Round muscle bellies. He's very bubbly. Now, he can be a little bit wider on top because his clavicle bones are not the largest. If he gets wider with the shoulders and the chest, then this guy will be at the Mr. Olympia for many years to come. That's how good he is. तो गाइस आपने समझ गए होंगे कि उनका बोलने का मतलब क्या था, उन्होंने किस तरीके से बताया। तो आप लोगों को क्या लगता है कि जो जिस तरीके से उन्होंने जजिंग करा, क्या आप उस बात से सहमत हो जिस तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन करा कि बैक और फ्रंट वाटर होल्ड कर रखा वो डी बिलाल अली,
और राहुल फिटनेस है, ये भी सही बात है कि उन्होंने तो कंपेरिजन कराया ही नहीं बिलाल अली और भुवन चौहान के बीच में। तो क्या आप इस बात से सहमत है? जी सहमत है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, एंड यदि आप नहीं सहमत हो तो वो भी आप लोग जरूर बताना, ताकि एक गुड वीडियो जो भी है आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, ये हेड जज तक भी पहुँचना चाहिए वीडियो, ताकि उससे भी पता चले कि जो पब्लिक है, इंडिया का पब्लिक है, उसे इस जो डिसीजन हुआ उस फेयर डिसीजन नहीं है हम लोग के नज़र में। तो आप लोग कमेंट कर बताना, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट में, तब तक के लिए।